अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे जमील कहते हैं और मैं रेलवे में इंजीनियर हूँ, यहाँ ट्रांसफर पे आया हूँ। खुशी हुई आपसे मिलकर। शुक्रिया। मेरा नाम सैयद हसन है, ये जो ब्रिज बन रहा है इसी सिलसिले में आए होंगे। जी हाँ, आइए, सामान रिटायरिंग रूम में ले चलो। बहुत अच्छा। मुश्ताक साहब जी, पंडित से कहिए कुछ मिठाई दे जाए और अब्दुल से चाय के लिए कह दीजिए। जी बहुत अच्छा। अमर पोशा देन। এমন পান দিয়েছো যে আমার মুখ পুড়ে গেল। দুনিয়া তাহলে আমার পয়সাটা মেরে দিবেন নাকি? পয়সা কোন উল্টে তুমি দাও। দেখেন আপনি আর কোনো ভদ্র মতো কথা কেন না। চুপ। লেন লেন মা গো মা আল্লাহ পাশে। রাম 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 নাম সে কম নাই চলেগা পণ্ডিত। দাম নিকালো দাম। নাম নিকালো তুম। আমার কাপড় নষ্ট করে ডালো। আর এ কাপ तुम्हारे बाप के थे? बाप का नाम है अब्दुल। वो अच्छा ना है। हाँ, क्या शोर मचा रखा है? देखिए बड़े बाबू, इसने मेरे एक रुपए दस आने का नुकसान किया। और इसने? बस बस, अपनी दुकान पे जाके फैसला करो। अच्छा चाय दे जाओ अब्दुल। अगर तू उससे एक रुपए या दस आने धारा ना लिया तो मेरा नाम अब्दुल नहीं। चल। अरे पंडित से और एक रुपए दस आने? अरे इससे दस पैसे मिल गए तो समझना दस हजार मिल गए। हाँ अरे तेरे लिए तो जान हाजिर है। जान पर अपनी जान अपने ही पास रख। हाँ जान हाजिर है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। कॉन्ट्रैक्टर कहाँ? सर मैं बुलाता हूँ। नहीं, उन्हें स्टेशन भेज देना। बहुत अच्छा सर। इंजीनियर साहब हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तालिब कहते हैं, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अच्छा अच्छा, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। मेरे तबादले की खबर तो आपको मिल चुकी होगी? जी हाँ, मैं कल ही से मुंतजिर हूँ। सिगरेट लीजिए। नो थैंक्स। वैसे क्या ख्याल है आपका, ये काम विद इन टाइम खत्म हो सकेगा? क्या बताऊं जमील साहब, लेबर की ऐसी शॉर्टेज है कि दुगनी मजदूरी पर भी आदमी नहीं मिलते। कल सुबह आकर सबसे पहले मैं स्टाफ चेक करूंगा, इसलिए कि शामी को मुझे हेड ऑफिस वापस जाना होगा। कल ही? जी हाँ, यहाँ की रिपोर्ट तैयार करके देना है। चेकिंग में ज्यादा देर तो नहीं लगेगी? अरे नहीं नहीं, वो तो चंद मिनटों का काम है। वैसे आज रात खाना मेरे ही साथ। जी नहीं शुक्रिया, मैंने स्टेशन मास्टर साहब से वादा कर लिया है। अब आप जाएं, कल सुबह ही मुलाकात होगी। जी अच्छा। जिसके चेहरे सामने आते हैं सब देर नकाब, अपना बताए किसको बेगाना कहे। ये साबुन क्या हुआ? चोर कहीं की लगाओ चपत। नहीं नहीं बाबू नहीं। ये तो पागल है बाबू। ये पागल है? हाँ साहब, इसका दिमाग पट्टी से उतर गया। जा, जा यहाँ से, नहीं तो बाबू मारेगा। देखिए हर चीज ऐसे ही फेंक देती है। ये बाबुल इससे ब्याह करना चाहता है। इस पगली से? हाँ साहब, बहुत चाहता है।
इसी को रेल से बचाने में उसकी टांग कट गई। पंडित चार पूरी तो देना। अरे पहले पैसे तो निकालो। पैसे मिल जाएंगे पंडित। ये लो भैया। और 12 आना जो पहले के बाकी है। हाँ हाँ ये 4 आने और जोड़ लो। ऐसे ऐसे जोड़ने से तो अपना धंधा बंद हो जाएगा पंडित। बड़ा आया धंधा वाला। दे दे वो जो 1 रुपया 10 रुपया बाकी है उससे ले लेना। अच्छा अच्छा बीड़ी सिगरेट ले लो। जय गरम गरम जय गरम। रसगुल्ले 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 हैं नरम नरे। जय गरम गरम जय गरम। कोला आंधी गरम आंधी सिगरेट तबाह रेटी। कोला चाय हमारी आला बाबू बाकी गड़बड़ झाला। आज चाय हमारी आला बाबू बाकी गड़बड़ झाला। दुनिया की हर नेमत से है इसका मजा निराला। चाय गरम गरम चाय गरम। पान हमारे ऐसे आला खोले दिल का ताला। पान हमारे ऐसे आला खोले दिल का ताला। सारी दुनिया को अपनाए इसका खाने वाला। पान बीड़ी सिगरेट ले लो। मारोगे तो नहीं? नहीं नहीं बोलो क्या बात है। इधर आओ कहो क्या बात है। एक बीड़ी दो। अच्छा तू बीड़ी पीती है। तो मैं चेकिंग के बाद ही माल उठा सकता। क्या बच्चों जैसी बातें करते हो। अरे ये सब इंजीनियर्स के नखरे हैं जो उठाना ही पड़ते हैं। चेकिंग की नौबत ही नहीं आएगी। क्या समझे। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा भाई खुदा हाफिज। साल पहले तक ये बिल्कुल अच्छी भली थी। इसका बाप बेचारा बहुत गरीब आदमी था इसीलिए कोई चमेलिया को ब्याहने पर तैयार ना होता था। कई जगह बात लगी और टूट गई। आखिर एक बारात चमेलिया को ब्याहने आई। अब देर कहाँ की है। बिस्मिल्लाह करूं। नहीं मौलवी साहब
अभी खड़ो। अरे कोई गरीबे को तो बुलाओ, तो अंदर ही बैठ रहा। नहीं नहीं संतु भाई, मैं आ गया। तो क्या बात है? सुनो, रुपया ले आओ तो बिस्मिल्लाह की जाए। अच्छा अच्छा संतु भाई, लेकिन तुमसे एक अर्ज है। क्या? 300 रुपया अभी ले लो, बाकी 700 दो चार महीने में दे दूंगा। नहीं गरीब, रुपया तो 1000 पूरा ही लूंगा, नहीं तो मौली साहब बिस्मिल्लाह नहीं करेंगे। मजाक ना करो संतु भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर 1000 रुपया है तो लाओ, वरना ये ब्याह नहीं होगा। ब्याह नहीं होगा? संतु भाई ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो कह दिया कि दो चार महीने में। दो चार महीने बाद बारात भी आ जाएगी। चलो वापस चलो, ये ब्याह नहीं होगा। लालू मेरा ब्याह नहीं होगा। चल रहे इधर चल, न पैसा न कौड़ी से चला है लड़की ब्याह ने। संतु भाई कि मेरी पगड़ी तुम्हारे कदमों पर है। मुझे पगड़ी नहीं चाहिए, रुपया चाहिए रुपया। चलो संतु भाई, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मेरा गला घोड़ दो, मुझे जान से मार दो, तभी यहां से जाओ। संतु भाई, संतु भाई, संतु भाई, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ काजी साहब, चमेलिया की किस्मत ही खराब है। काजी साहब, चमेलिया से मैं ब्याह करूंगा। बाबुल, चमेलिया से तू ब्याह करेगा? हाँ, चमेलिया के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जजाक अल्लाह बाबुल, जजाक अल्लाह। कहाँ है गरीब चाचा? रेल के नीचे आ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जानी बेटी, क्या बात है? कौन है? कोई नहीं, अकेली बैठी हूँ। अच्छा अच्छा, अल्लाह इसे पहरा के करते तो अच्छा होता। कर चुन चुन महल बना, लोग कहे घर मेरा ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे बाबा, खुश रहे तेरी नगरी। पगली तू यहाँ क्या कर रही है? चल भाग गया से। कौन हो तू? बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो घर चलो। अबू जहाँ कौन बदतमीज आती है? कहाँ? वो बाथरूम में छुपा हुआ है। बाथरूम में? हाँ। कुछ बदमाश है क्या? मुझे तो वो छटा हुआ बदमाश मालूम होता है। वो देखिए अभी निकलने वाला है। वो देखिए कितनी शांत। ओ
जमील साहब जी आदाब अर्ज़ है। आदाब अर्ज़ है बेटी, इनसे मिलो। मैं नहीं मिलती। अरे ये जमील साहब है। हुआ करे, मुझे क्या? वो इंजीनियर साहब है। जमील साहब, ये मेरी बेटी फौजिया है, बड़ी शरीर है। आपसे मिलके जो मुसर्रत हुई है बयान नहीं कर सकता। अभी इसी गाड़ी से आई है। आ बेटा चलो। लेबर तो बहुत कम है। यही तो प्रॉब्लम है जमील साहब। अच्छा आइए, जल्दी जल्दी चेकिंग खत्म कर ली जाए। काम तो होता ही रहेगा, कुछ देर कैंप में चलकर आराम कीजिए, चाय वाय पीजिए। नहीं, बहुत देर हो जाएगी, ये काम बहुत जरूरी है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि स्टाक चेकिंग में आपका वक्त भी जाया होगा और जहमत भी होगी। आप जरा कैंप तक तो चले, मेरे लायक जो भी खिदमत। नहीं जनाब, आप जाइए, स्टाक के कागजात फौरन लाइए। ये तो कुत्ते पर हाथ ही नहीं रखने देता। फिर क्या हुआ? ठीक है, तुम जाओ स्टॉक चेक करा दो, बाद में मैं देख लूंगा। कम ज्यादा तो लगा ही रहता है जमील साहब। आइए खाना खा ले और कुछ जरूरी बातें भी हो जाए। अगर कोई जरूरी बात हो तो आप स्टेशन आ जाइए, मैं वहीं चलता हूँ। छोटे बाबू तमाशा देखो। क्या? अंधे बाबा को देख। वजीफा पढ़ रहा है? नहीं छोटे बाबू, वो तो बड़ा वजीफा पढ़ रहा है। वो क्या? रुपया गिन रहा है। रुपया? उसके पास रुपया कहाँ? अरे छोटे बाबू, उसके पास इतना रुपया है कि शायद आपके पास भी नहीं। देखिए पास आया। हाँ। क्या है बाबा, क्या बात है? कुछ नहीं छोटे बाबू, कोई चोर था। चोर? और दिन में? छोटे बाबू, चोर के लिए दिन रात सब बराबर है। अब्दुल, अब्दुल सुनो। हाँ साहब। ये खाना रिटेनिंग रूम इंजीनियर साहब को दो, मेरा नाम ना बताना। अच्छा ठीक है साहब, लाइए। तुम खाना ले? करीम कहाँ है? जी अच्छा ठीक है, रख दो। बताइए कहाँ से आया तुम? इधर आओ। कहाँ से आया तुम? नाराज क्यों होते हैं साहब? दुनिया के काम ऐसे ही चलते हैं। आप कुछ हमारा ख्याल कीजिए और हम कुछ आपका। आप चले जाइए यहाँ से। कम से कम मेरी बात तो सुनिए। निकल जाओ। मत रो, मत रो, जाओ।
साहब जा रहे हैं। अच्छा, मगर इतनी जल्दी वापसी? हाँ, एक तो इसकी माँ वहाँ अकेली है और दूसरे चंद ही दिनों में इसका रिजल्ट भी निकलने वाला है। अच्छा अच्छा, रास्ते में जरा इसका ख्याल रखिएगा। जरूर साहब। अबू, अब मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि एक आदमी चाहिए मेरा ख्याल रखने के लिए। नहीं बेटा, रास्ते में गाड़ी भी तो बदलनी है, इसलिए कहा है। मेरा ख्याल है 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा। लक्ष्याम पर इसकी मदद कर दीजिएगा, न जाने सीट मिले न मिले। आप इत्मीनान रखें, उन्हें कोई तकलीफ न होगी। अच्छा, अब गाड़ी छूटने वाली है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। में आप अकेली हैं इसलिए पूछा। तो इससे क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, मगर हो सकता है। कभी कभी गाड़ी में चोर उचक्के भी आ जाते हैं, और अपर क्लास में तो और भी। जाइए जाइए, मैं किसी चोर वोर से नहीं डरती। खैर, मैंने तो इस ख्याल से कहा था कि आप कुछ जेवर भी पहने, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लड़की हैं और खूबसूरत भी। वैसे आपकी मर्जी। आप लड़की हैं और खूबसूरत हैं। शेर है जो मुझे खा जाएंगे।
फिर लाइट क्यों नहीं ऑफ करने देती? बस मेरा जी, मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती। बड़ी मुश्किल है, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। अब आप ही बताइए, जब हमारे मिजाज में इतना फर्क है तो आप मेरी बीवी कैसे बन सकती? शानदार घर है आपका। पसंद है आपको? बहुत। कल शाम को चाय पर आ रहे हैं ना? जरूर, अब तो आपका घर देख लिया है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जमीन रहे या और कोई कब्जा कर ले, उनकी किस्मत में तो वही 300 रुपए लिखे हैं। अम्मी, आप तो बिला वजह खफा हो रही हैं। अब्बू ने तो इजाजत दे दी है। मैं कोई उनकी इजाजत की मुताज हूँ? तू ही बड़ी अब्बू की लाडली बनकर गई थी पूछने, वरना अम्मी उदार के लिए मैं बहुत थक गई।
आ रही है तो सो जा, क्या मैं मना कर रही हूँ? तो होगी नहीं, मैं उसे हराम समझता हूँ। अरे मियाँ, हराम तो सभी समझते हैं, मगर अम्मी खुदा के लिए बस कीजिए। आइए जमील साहब, हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं। अच्छा, तुम दोनों खेलो, मैं जरा दुरानी साहब के यहाँ से हो आऊँ। आप लॉन में चले, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। बहुत अच्छा, इस तैयारी की क्या जरूरत थी, मैं बगैर खेले हुए हार मान लेता हूँ। अच्छा जरा बातें ना बनाइए, चलिए। दिल छोटा ना कीजिए, किसी का कॉल है कि औरत की हार ही उसकी जीत होती है। अच्छा छोड़िए इन बातों को, ये बताइए कि आप वापस कब जा रहे हैं? कल रात की गाड़ी से। कल शाम को आइएगा ना, अगर आप बुलाएं तो। और अगर हम ना बुलाएं तो? तो नहीं आऊंगा। अच्छा जाइए, हम आपको नहीं बुलाते, देखते हैं आप कल कैसे नहीं आते। कोई काफिर ही होगा जो इस खूबसूरत बुलावे पे ना आए। वरना मैं आपको लिफ्ट दे देती। कोई बात नहीं, लिफ्ट तो आप यूं भी मुझे दे रही हैं। अच्छा बोला। ओ रिहाना आओ। वो कौन था? कौन? अभी तेरे बंगले से गया है। मेरे बंगले से? नहीं तो। वो कौन था बता, बता वो कौन था? हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, मुश्किल में है मेरी जान, हाय अल्लाह, मुश्किल में है मेरी जान। वो कौन काफिर था तू अपने जिसकी देखी है अल्लाह की शान, हाय अल्लाह, मुश्किल में है मेरी जान, हाय अल्लाह, मुश्किल में है मेरी जान। Oh,
आंटी फौरन भेज दीजिए, कहीं गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया तो जमीन के साथ 30,000 के हाथ से जाएंगे। ठीक है, मैं कल ही ब्रोकर को बुलाती हूँ। और वो 25,000 आप कब दे रही हैं? बस ये जमीन का रुपया मिलते ही मैं तुम्हें दे दूंगी। और ठीक 6 महीने के बाद मुझसे 50,000 लीजिए। कौन है? शायद जमीन साहब आए होंगे। ये जमील साहब कौन है? एक लड़का। हाल ही में इंग्लैंड से आए हैं। मुझे जमील कहते हैं। प्लेस टू मेट यू। प्लेजर इज माइन। तशरीफ देखो। बिजनेस करते हैं जमील साहब? जी बिजनेस नहीं, सर्विस करता हूँ। अच्छा अच्छा। अरे हाँ आंटी, मैं तो भूल ही गया था, मैंने एक नई गाड़ी बुक की है, स्वेव 65 मॉडल। अच्छा। हाँ आंटी, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। हाँ बेटा, ये मॉडल तो बड़ा खूबसूरत है। आपका क्या ख्याल है जमील साहब? इस सिलसिले में मेरी मालूमात बहुत कम है। हाँ, सर्विस करके तो मामूली गाड़ी भी अफोर्ड करना मुश्किल है, शेप तो बड़ी चीज है। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ पूजा, जब तक दस्ते गैब शामिल हल ना हो सर्विस करने वाले कार अफोर्ड नहीं कर सकते। अकरम साहब, जिंदगी में बहुत सी चीजें लेटेस्ट मॉडल शेयर से ज्यादा अहम होती है मिस्टर अकरम, कभी उन पर भी गौर किया कीजिए, उनसे आपकी सेहत और दिमाग दोनों पे अच्छा असर पड़ेगा। बैठो मिया, अकरम की बातों का बुरा मान गए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे आज रात की गाड़ी से वापस जाना है, मैं इजाजत चाहूंगा। आदाब। आपका क्लास फेलो बहुत बड़ा आदमी। आप उसकी बातों को बुरा ना मानिए, वो तो है ही बदतमीज आदमी। चलिए मैं आपको सीएफ करूँ। क्यों तकलीफ कीजिए? अच्छा भी ज्यादा बनिए नहीं, सीधे तरह चलिए। बेहतर। शायद नाराज हो गया। होने दीजिए। फौजिया, अरे ओ फौजिया, अजीब लड़की है। आंटी, मम्मी पूछ रही थी कि आपने क्या फैसला किया है। तुम किसी दिन अपनी अम्मी को भेज देना, मैं बात कर लूंगी। बहुत अच्छा, अब मैं चलता हूँ आंटी, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। जमील इंजीनियर, वो स्मार्ट सा नौजवान। जी हाँ, बड़े साहब ने कहा है कि आप फौरन कुछ कीजिए, कहीं रिपोर्ट पर एक्शन ना लिया जाए। ठीक है, तुम जाओ, डैडी से कहना मैं इंतजाम कर लूंगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन? शौकत, मैं अकरम हूं, कहां गायब हो आजकल? अच्छा अच्छा, तुमसे बहुत ही जरूरी काम है। नहीं नहीं अभी नहीं, ऐसा करो सुबह तुम मेरे पास आ जाओ, या कहूं तो मैं आ जाऊं। ठीक है, तो सुबह तुम आ रहे हो? अच्छा, खुदा हाफिज़। बड़े प्यार से देखी जा रही है। बैठ बैठ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इस बच्चे के साथ तस्वीर खिंचवाने की क्या जरूरत थी, वैसे माशूक है जोरदार। अरे जोरदार न होती तो तुम्हारी भाभी कैसे बनती? भाभी? हाँ हाँ भाभी, जो इंग्लैंड में इस इंतजार में है कि मैं कब रुपया भेजू और कब वो यहाँ पहुँच जाए। अरे सीरियस? 100%। और ये बच्चा? ये तुम्हारा भतीजा है। रियली? हाँ हाँ, तुम्हें ताज्जुब हो रहा है। तो तुम उन्हें बुलाते क्यों नहीं? यार शौकत, तुम हो बिल्कुल बेवकूफ,
अगर इस तरह बुलाना शुरू करूं तो वहां से कई दर्जन लड़कियां इंपोर्ट करना पाएंगी और इसकी इजाजत न हुकूमत देगी न डैडी। और फिर फौजिया और उसकी दौलत। अच्छा आप समझ में आया। इट इज बिटवीन यू एंड मी, किसी को मालूम ना। ओके, इस वक्त तुम्हें एक खास काम से बुलाया है। क्या बात? यह है कि मेरी और फौजिया की शादी तकरीबन तय हो चुकी है। दरमियान में एक रेलवे इंजीनियर जमील तबक पड़ा है, वो भी फौजिया में इंटरेस्टेड है। ये वही इंजीनियर है जिसके अंडर में मेरा काम हो रहा है। तो क्या मैं डैडी से कहकर उस इंजीनियर को मना करवा दूं कि वो फौजिया में इंटरेस्ट ना ले? नहीं, तुम चीफ इंजीनियर साहब से इतना कह दो कि जमील फौजिया की वजह से मेरा दुश्मन बन गया है और मेरी फार्म को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने रिपोर्ट की है। मैं वादा नहीं करता, अगर किसी दिन मौका मिल गया और डैडी का मूड ठीक हुआ तो कहूंगा। प्यारे, ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। 5000 रुपये कम नहीं होते हैं सैयद साहब। कुछ भी हो, मैं तो जमील की तारीफ करूंगा, वो इस उम्र में इतना बावसूल। आप भी किस जमाने की बातें करते हैं, आजकल पैसा ही सबसे बड़ा उसूल है। माफ कीजिएगा, ये उसूल आप जैसे लोगों का होगा। अगर आपका भी यही उसूल होता तो आज आप यहाँ नौकरी न करते होते। मैं नौकरी करता हूँ, चोरी नहीं करता, समझे? सुनिए, एक पैसे उधार। अच्छा साहब, साहब हमसे झगड़ा मत कीजिए, कंपनी का रेट देख लीजिए। क्या बात तुम्हें? ओह सॉरी, रॉन्ग नंबर, 4.5 आना। मैंने तो अपना काम कर दिया है, आगे तुम्हारी किस्मत। ठीक है, चीफ इंजीनियर साहब को मालूम हो गया मैं यही चाहता। शमजू जी, कॉफी बनाओ। बहुत अच्छा साहब, आपका तार। खैरियत तो है? कुछ नहीं, हेड ऑफिस से बुलावा आया है, मुझे फौरन वापस जाना है। गाड़ी तो 4 बजे है, लेकिन ये यकबैत खुदा जाने क्या बात है, ये तो वहां जाकर ही मालूम होगा। बस अभी पहुंचा हूं और आपको याद कर रहा हूं, ना जाने आपने भी मुझे याद रखा या नहीं। नहीं, वैसे तो मैं आपको रोज याद करती हूँ, लेकिन आज तो बहुत याद आ रही। क्यों? आज क्या कुछ खास बात थी? नहीं, इसलिए कि मैं सच से पास हुई हूँ। बस ये तो आपने बहुत बात की। शुक्रिया शुक्रिया। किसी जमाने में ऐसे मौकों पर मिठाई वगैरह खिलाई जाती थी, अब नहीं मालूम। इसीलिए तो आप याद आ रहे थे। अच्छा, मेरे साथ मिठाई भी आपका इंतजार कर रही है। अच्छा, तो मिठाई के साथ आप भी तैयार रहिए, मैं अभी पहुंचा, सी बीच पर चलेंगे। मगर जल्दी आइएगा। बहुत बेहतर।
आया है कोई। दिल अपना राहों में लिए दीवाने प्यार के, आया है कोई। बस तुम चमका बिजली सी कहीं लहराई, छलके परमाने प्यार के, दीवाने प्यार के, आया है कोई। आज मेरी दुनिया पर आंचल का कोई लहराया, फिर मिल ही गए परवाने प्यार के, दीवाने प्यार के, आया है कोई। आया है कोई आंखों मिलिए अफसाने प्यार के, है दिल अपना राहों में दीवाने प्यार के, आया है कोई, आया है कोई। आपके यहां आने वाली है, बहुत बेहतर, मैं कह दूंगा आप मुंतजिर हैं। फौजिया है घर में? जी हाँ, जरा दीजिए। फौजिया? ओ फौजिया। जी अम्मी। टेलीफोन। किसका है अम्मी? अकरम का। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। क्या सिनेमा आपके साथ? जी नहीं, मैं नहीं जा सकती जी, कल भी नहीं। देखिए मिस्टर अकरम, मैं आपको सिर्फ अपना क्लास फेलो समझती हूँ और बस। फौजिया, वो अकरम से इस तरह बातें कर रही थी? अम्मी, अगर आपको ख्याल ना होता तो किसी ने धक्के देकर बाहर निकलवा दी। बस बस, बड़ी यही निकलने वाली। हवा कर दो अकरम को कुछ कहा। जाइए साहब। सिट डाउन। थैंक यू सर। मिस्टर जमील, आपने जो रिपोर्ट पेश की है क्या वो बिल्कुल सही है? यस सर। बाय द वे, मुजीब एंड कंपनी से आपका कोई जाती इख्तलाफ तो नहीं? जी नहीं, मैं पहली बार साइट से मिला हूं। हां, ये फौजिया कौन है? जी तुम उसे जानते हो? यस सर, बट ये तो मेरा जाती मामला है। मैं जानता हूं, लेकिन मैं इसे पसंद नहीं करूंगा कि तुम्हारे जाती मामलात सरकारी कामों में दखल अंदाज हूं। मगर बस मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा कि तुम्हारी रिपोर्ट कहां तक सही है। एज यू प्लीज सर।
लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारी रिपोर्ट गलत साबित हुई तो नतीजे के जिम्मेदार तुम होगे। तुम जा सकते हो। यस स्पीकिंग। बुरा तो नहीं माना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो है भी बहुत शरीफ, अभी तक बच्चों जैसी बातें करता है। लो मिठाई खाओ। उसकी क्या जरूरत थी? अरे खाओ मियां, ये तो खुशी की मिठाई है। ऐसी मिठाई रोज रोज कहां मिलती है? अकरम के साथ फौजिया की मंगनी हुई है ना, ये उसी की मिठाई है। दोनों की जोड़ी लाखों में एक रहेगी, है ना? अरे ये मिठाई तुमने क्यों रख दी? फौजिया, अपना हाल बिल्कुल स्कॉर्प जैसा। यानी तुम्हारी जुल्फों की जाल में। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मोहब्बत में कभी अजानेमन ऐसा भी होता है। बकवास बंद कीजिए, बना चले जाइए। अब तो मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। हे, जमील साहब आए थे, कहाँ है? चले
गाना कहां से सीखा? एक पीढ़ी तो इंक्वायरी के लिए कोई अफसर जाने वाला है? तुम ठीक कहते हो, मुझे खुद ही जाना चाहिए, लेकिन तुम जरा ऑफिस में खबर लेते रहना। इत्मीनान रखो डियर, लेकिन तुमने कहा था कि मुझे खुश कर दोगे। मैं वाकई तुम्हें खुश कर दूंगा। लो अभी ये रख लो, फिर वापस आकर। मैं सब समझ गया, शहर पहुंचकर सब ठीक कर लूंगा। लेकिन डैडी ये जमील, अरे ये छोकरा भी ठीक हो जाएगा, पहले हेड ऑफिस से तो निपट लूं। रहीम, तुम ये बैग लेकर स्टेशन चलो, मैं आता हूं। बहुत अच्छा। देखो तुम यहां काम का ख्याल रखना, एक दो हफ्ते कोई माल इधर उधर ना होने पाए। आप इतना रखें, ऐसे ही होगा। अच्छा मैं चलता हूं। ओके डैडी। न जाने क्या बात है, कल से किसी काम में जी नहीं लगता। आप घर जाकर आराम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, मेरा नाम अक्रम है, मैं तालिब साहब कंट्रेक्टर का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा, कहिए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? जी मम्मी ने कहा था कि आपसे मिल लूँ। मम्मी, शायद आपको गलत फहमी हुई है, मैं आपकी मम्मी को बिल्कुल नहीं जानता। जी वो मेरा मतलब है फौजिया की मम्मी। फौजिया की मम्मी को आप कैसे जानते हैं? क्या आपको कुछ नहीं मालूम? क्या नहीं मालूम, कुछ बतलाइए तो। क्या फौजिया की मम्मी ने कुछ कहलवाया है? जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं यही सलाम करने आया था। अच्छा फिर किस वक्त आऊंगा? ला हौल वला कुव्वत, कैसे कैसे लोगों से साबका पड़ता है। आज बाबा नहीं आया? हाँ न जाने क्यों नहीं आया, बाबा ने दूध वाला सवाल लगाया था। अब्दुल भैया, पंडित ने जाने को आंख मारी। छोड़े पंडित, माफी मांग जल्दी। जानी माफ कर दे। हाँ खबरदार, तू मेरी है। किसने के है? कुछ लेगी क्या? ये बंदे कितने के हैं? चार आने के साथ। दे दो इसे। चाराने का शीशा भी ले गई। ले जाने दो उसे। तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगे।
लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद कर लेते। फौजिया शाम को तो कहाँ थी? अकरम तेरा इंतजार करके चला गया। क्यों? वो मेरा इंतजार तुम कर रहा था? देख फौजिया, अकरम के साथ तेरा ये बर्ताव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अकरम के साथ मुझे भी आपका सलूक पसंद नहीं। तेरी पसंद नापसंद की मैं पाबंद नहीं हूँ। आप समझती क्यों नहीं अम्मी, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, क्या नहीं? और तुझे क्या चाहिए अम्मी? बस मैंने फैसला कर लिया है, तेरी शादी अकरम से होगी। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? उस दो कोड़ी के इंजीनियर से जिसकी तनख्वाह तेरे कपड़ों के लिए भी काफी नहीं। अम्मी इस घर में तेरी नहीं मेरी औरत चलेगी। आंटी आप भी तो जुल्म कर रही हैं। तुम चुप रहो जी, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। फिर कहां जाएंगी? मैं भी तो सुनू अबू के पास। और ये ऐशो आराम? मुझे ही नहीं चाहिए ऐशो आराम, उनके पास दौलत न सही, बाप का दिल तो है। मां को देखो कैसी चलती है, देख कमरे से बाहर कैसे कदम निकाल। चलो तुम्हारे तरह चुप नहीं हो। रात बिरात अकेली न घुमा कर, चल घर चल, चल चल जा, चल। तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? मैं तो कहता हूं तेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, बस एक आध कल कहीं ढीली है। मेरे पास रुपया हो जाए फिर तुझे शहर ले जाऊंगा, वहां बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो तुझे बिल्कुल अच्छा कर देंगे। फिर जब तू अच्छी हो जाएगी तो मैं तुझे इस तरह मारी मारी नहीं फिरने दूंगा। तू घर में रहेगी, मेरा खाना पकाएगी। हाँ पंडित, जरा पूरी तो खिलाना। लीजिए सर। क्या
कह लीजिए। अरे चमेलिया कुछ खाएगी? ले खा ले और देना। कह लीजिए, है तो पगली लेकिन किस्मत की बहुत अच्छी है। सच है, इससे अच्छी लड़कियां यहाँ नहीं मिलती। क्यों जमील साहब? ओ आप यहाँ? जी हाँ, शायद आप नहीं जानते, तालिफ साहब मेरे वालिद हैं। अच्छा अच्छा, गुदरे में लाल पहन चढ़ना खूब आता है आपको। आपकी पसंद की दाद देता हूँ। शुक्रिया, मैं आपकी अकल की दाद देता हूँ। वैसे जमील साहब, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो जरूर बताइएगा, मैं कुछ दिन यहीं हूँ। बेहतर है। अच्छा फिर मुलाकात होगी, चलो सुल्तान। पंडित ला रसगुल्ला। चल चल आइए। अच्छा पंडित, जमील साहब। जी फरमाइए। क्या बात है, आजकल आप कुछ खिंचे खिंचे रहते हैं, उससे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, तबीयत ही ठीक नहीं रहती। तबीयत कैसे ठीक रहेगी, यहाँ न जाने क्या अल्लम गल्लम खाते रहते हैं। जी हाँ, छुट्टी के लिए दरखास्त दी है, अभी तक हिरासत से कोई जवाब नहीं आया। हाँ मैं भी देखता हूँ, यहाँ आपका जी नहीं लगा। जमील, अरे यूसुफ साहब आप यहाँ? हाँ भाई, तुम्हारी उसी रिपोर्ट की सिलसिले में मैं भेजा गया। ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी? कोई खास बात नहीं, बस यहाँ जी नहीं लगता। अच्छा चलो चेकिंग कर ले, फिर बातें होंगे। चलो मुझे न ले जाइए, मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं चेकिंग करके अभी वापस आता हूँ। समझ में नहीं आता इस दोबारा चेकिंग की क्या जरूरत थी, तुम्हारी रिपोर्ट तो बिल्कुल ही सच। चीफ की मर्जी। और ये कॉन्ट्रैक्टर का लड़का, क्या नाम है उसका? मिस्टर अकरम। हाँ हाँ, वो तो होशी में नहीं है, मुझे कुछ रिश्वत देना चाहता था। अच्छा तो फिर? मैंने ऐसी खबर ली है जो जिंदगी भर याद करता। अच्छा जमील, गाड़ी जा रही है, चल। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा। रेहाना, तू जरा फौजिया को समझा, कल से उसने खाना पीना छोड़ रखा है। अच्छा फौजिया, तूने खाना पीना भी छोड़ दिया। तू चाहे रो रो के अपनी जान भी दे दे, मगर तेरी अम्मी अपना फैसला नहीं बदलेंगे। मैं क्या करूं रेहाना, मैं क्या करूं? हिम्मत है? शाबाश, बाहर में टैक्सी खड़ी है, सीधी स्टेशन चली जा, अभी गाड़ी मिल जाएगी। और अगर अम्मी ने तुझे तो मिली टिकट ना कर, जा नहीं तो गाड़ी छूट जाए। खुदा हाफिज। अरे रेहाना, क्या कहा फोन जाने, तू तो जा रही है। रहमत, फौजिया का
गया। अच्छा तो वो फौजिया थी, तुमने उसे भगा दिया। इसका मजा मैं तुम्हें चखाती हूँ। तो बताओ जो मेरे पास आए, मुझे फौजिया ना समझिएगा, मैं सर फोड़ दूंगी। हाँ जहन में जाए तेरा खाना, जाए यहाँ से और ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। आइए फौजिया। इसी गाड़ी से आई हो, क्या हुआ मेरी बच्ची? जमील को क्या हो गया है, जब से आया है बिल्कुल बदल गया है, मुझसे भी नहीं मिलता। अबू आप चलिए, ये जमील साहब का खत है, मैं देकर आती हूँ। अच्छा इसको पढ़ लीजिएगा। मैं अम्मी की मर्जी के बगैर आई हूँ, सिर्फ आपके लिए। शहर से ईदू आया है, बड़े साहब का ये खत लेकर। अकरम दुआएं, जैसे भी मुमकिन हो तुम जमील साहब से एक फेवरेबल रिपोर्ट लेकर भेज दो। अगर वो इस पर तैयार ना हो तो तुम फौरन वापस आ जाओ, हालात बहुत नाजुक हैं। दुआगो तालिब। दिखाऊंगा कि तेरी अम्मी तुझे यहां तक कैसे ले जाती है। उम्मीद तो नहीं है मगर शायद मान जाए, और अगर वो ना माना तो कोई और तरकीब करना होगी। मैं ऑफिस में हूं। आप पर तो बहुत असर हुआ। नहीं मुझ पर बिल्कुल असर नहीं हुआ। झूठे कहेंगे, आईना कब से नहीं देखा? जब से तुम्हें देखा है। अच्छा मुझे बाद में देखिएगा, पहले शेव कीजिए। बहुत अच्छा। यू आर हियर, गुड गॉड, तुम यहाँ कब आई? टेलीग्राम कर दिया होता। मम्मी ने तुम्हें अभी तक कुछ नहीं बताया? सुनो अजीब बात है, होने वाली दुल्हन को अब तो खबर नहीं। अरे हमारी तुम्हारी तो मंगनी हो चुकी है डार्लिंग। तमाशे के साथ मंगनी भी खत्म हो गई।
क्या हुआ फौजिया? क्या हुआ? जी कुछ नहीं, हम दोनों की मंगनी हो चुकी है ना, आप नहीं जानते। मिस्टर, मैं अपनी लड़की को तुमसे ज्यादा जानता हूँ, बहसियत बात के उस मंगनी से इनकार करता हूँ जिसमें मेरी राय शामिल ना हो, समझे? लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आइंदा अगर फौजिया से तुमने बात की तो अच्छा न होगा। आओ बेटी घर चले। अपना दिल दुआवारा न जाने किस पे आएगा, हसीनों ने बुलाया बहुत समझ दो चाय देना, अभी देता हूँ साहब। बाजी थी, हम दोनों में बाजी लगी थी, जो जीतेगा वो एक तमाचे मारेगा, मैं हर गया इसलिए चाटा खाना पड़ा। साहब बाजी तो बहुत किस्म का सुना था, मगर ये चाटा बाजी आज ही सुना। अभी तुमने सुनाई क्या है? हाँ ये भी कहते हैं। अच्छी चाय बनाया। छोटा तो नहीं होता? हाँ चाहिए, तुम रख लो। रख लो? हाँ ये 10 रुपए। हाँ हाँ रख लो, साहब के लिए नोट 10 पैसे के बराबर है। मगर साहब मैं क्यों रख लू, दो कप चाय का तो सिर्फ 2 रहा हुआ। तुम्हारी चाय बहुत अच्छी है ना, साहब खुश होके दे रहे हैं। अगर तुम्हारा जी चाहे तो मेरा एक काम कर दो। एक क्या? 2 काम कर दूंगा, बताइए। जहाँ मेरा कैंप है जानते हो? हाँ। रात को 7-8 बजे जमील सबको वहां तक ले आऊ, क्या नहीं ला सकते? ला तो सकता हूँ साहब, मगर कुछ घबरा तो नहीं है? अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरा दोस्त है, मैं जरा उसे बेवकूफ बनाना चाहता हूँ। लेकिन उसे मेरा नाम ना लेना। नहीं नहीं साहब, आपका नाम नहीं लूंगा। मैं एक तरकीब बताऊं? क्या? सुनते ही फौरन चलाएगा। क्या? कहना गवर्नमेंट का माल चोरी हो रहा है। हाँ। बस ठीक है साहब, मैं जरूर ले आऊंगा। ठीक है, मैं तुमको और भी नाम दूंगा। वालेकुम सलाम, चलो। खुश रहे तेरी नगरी। वो दोनों आ रहे हैं। अच्छा, ये सुल्तान था मर गया। अच्छा चलो। यहां तो कोई भी नहीं? नहीं जमील साहब, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। इस धोखे की क्या जरूरत थी, अगर मुझे कहा तो मैं खुद चला आता। जमील साहब, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। चलिए अंदर तशरीफ ले चलिए। जो कुछ कहना यही कहो। तो सुनिए, मैं आपको नहीं आपके कलम को जहमत देना चाहता हूं, बस एक फेवरेबल रिपोर्ट चाहिए। ये नामुमकिन है। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। चलिए। भागने की कोशिश न करना। चलिए चलो।
बैठो। रिपोर्ट पर दस्तखत करो। अगर मैं ना करूं तो यहां तुम्हारी लाश को भी पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ शुरू हो जाओ शुरू हो जाओ। खबरदार जो कोई आगे बढ़ा तो 28 से गोली मार दूंगा। हाँ शाबाश अब्दुल। लीजिए साहब, अब अगर मैं चाहूं तो तुम्हें बड़े घर पहुंचा सकता हूं। हाँ। मगर जाओ, माफ किया लो। अब आइंदा मुझसे उलझने की कोशिश की तो अंजाम के जिम्मेदार तुम होगे। चलो अब्दुल। चलिए, इसीलिए रुपये दिया था क्या कर रहा है? उधर क्या देखती है? अच्छा तो जनाब ये बताइए, रात आप कहाँ गायब थे? तुम्हें कैसे मालूम? मैं बड़ी देर तक इंतजार करती रही। बस ऐसे ही जरा चला गया था। यही तो पूछ रही हूँ, कहाँ? बता दो। छोड़ो दी, क्या बताऊँ? देखिए बनिए मत, सीधी तरह बताइए। तुम बुरा मान जाओगी। क्यों, मैं क्यों बुरा मानने लगी? अच्छा तो सुनो, कल रात मुझे एक लड़की ने बुलाया था। लेकिन मुझे तो यहाँ ऐसी कोई लड़की नजर नहीं आई जो तुम्हें बुलाए। है एक लड़की, तुम नहीं जानती। बात दरअसल यह है कि कुछ दिन पहले मेरी उससे कुछ जानबन हो गई थी, कल फिर सुलह हो गई। उसकी तो बात ही कुछ और है, चांदनी में भीगा हुआ जिस्म, मुस्कुराती हुई खूबसूरत आंखें, शक से भरा हुआ दिल, जो जरा देर न देखे तो पूछ बैठे रात तू कहां गए थे।
दर्द भी है, उस दर्द में कुछ आराम भी है। ए मेरे अनोखे हमराही, दिखाता हूँ मैंने कितने रुपए जमा किए हैं तेरे लिए। एक बाबू ने बताया है कि सब मिला के 500 रुपए का खर्चा आएगा तेरी दवादारू पर। अरे खाते क्यों नहीं? आजकल तुझे क्या हो गया है? कुछ खाती है न पीती है। मुझसे कुछ नाराज है क्या? ये देख देख देख, 10 कम 400 रुपये हैं। और 2-4 महीने घूम ले, फिर तो इस घर को तुझे ही संभालना है। मारना नहीं चाहिए था।
पागल के साथ आप भी पागल हो गए। दौड़ के जा बाबू के पास। ये बड़े लोग सब ऐसे ही होते हैं, खड़ी में चुमकाते हैं, खड़ी में थुतकारते हैं। चल कर चल चल। जी चाहता है तेरे लिए एक अच्छी साड़ी ले लूं, पर रुपए जो कम हो जाएंगे। तुझे शहर भी तो ले जाना है चमेलिया, बस दो चार महीने की और बात है, फिर तो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। तब लोग तुझे पगली नहीं कहेंगे, जानती है क्या कहेंगे? बाबुल की दुल्हनिया। अबे टिंकू कुछ सुना क्या? अब्दुल भैया वो जो कंट्रैक्टर था ना, गिरफ्तार हो गया। कौन? वो मोटा वाला? अरे हाँ। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा आदमी होकर गिरफ्तार हो गया? अबे तू नहीं जान, वो साला बाप बेटा दोनों बहुत बाजी है। पर अब्दुल भैया उसके पास तो बहुत रुपया होगा। बेटा ब्लैक मार्केटिंग का रुपया थोड़ा हो या बहुत, एक ना एक दिन लालगढ़ जरूर ले जाता है। हाँ छोटे बाबू जी सुनो, मेरा एक काम कर दोगे? जरूर फरमाइए, क्या काम है? भाई बात यह है कि जमील मियां के वालिदैन तो हैं नहीं, और जमील से सिलसिले में बात करते हुए मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम मेरी तरफ से? बस बड़े बाबू मैं समझ गया, ये तो खुशी की बात है, आप इत्मीनान रखिए मैं बात कर लूंगा। और हाँ, शादी बिल्कुल इस्लामी तरीके से होगी और बारात यहाँ आएगी। बहुत अच्छा, और तारीख? जो तुम मुनासिब समझो मुकर्रर कर लो, मुझे कोई बड़ी तैयारी नहीं करना। मगर मुझे करना है और मैं शादी करूँगा। जब फौजे नहीं जाती है तो मैं क्या कर सकती हूँ? और वो मंगनी, क्या वो सब धोखा था? अकरम तुम कैसी बातें करते हो, मैंने फौजिया के अब्बू को खत लिखा है, वो फौजिया को भेज देंगे। बेहतर है। हाँ बेटे वो रुपये? आपका रुपया बिजनेस में लगा हुआ है, मैंने जुआ नहीं खेला। वो तो ठीक है मगर आप तो जानती हैं कि मैं डैडी के केस में कितना परेशान हूँ। क्या हुआ, जमानत हुई? जी नहीं अभी तक नहीं हुई, आज एक वकील के पास फिर जा रहा हूँ। अच्छा खुदा हाफिज। अब्दुल बड़े बाबू की लड़की की शादी हो रही है। किससे? अपने इंजीनियर साहब से ना। अरे तुझे कैसे मालूम? अरे छोटे बाबू आप हमको क्या समझते हैं, हम उनकी चिड़िया के पर गिन लेते हैं। वाकई तू तो बड़ा सियाना निकला। हाँ छोटे बाबू सच पूछो तो दोनों की जोड़ी है बड़ी अच्छी। हाँ अरे पंडित सुना कुछ? क्या? अपने इंजीनियर साहब का ब्याह हो रहा है। किससे? बड़े बाबू की लड़की से। देख दुनिया में क्या हो रहा है, अब तू रहने दे। वैसे तो जमील साहब हम लोगों का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन ये जगह बड़ी छोटी है, बारात जरा सोच समझ कर लाइएगा, बेहतर है। नहीं बाबू पंडित की मिठाई और अब्दुल की चाय जिंदाबाद, जितनी बड़ी बारात जी चाहे आप लाइए। अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा खुदा हम फूलों के हार लेके आपका इंतजार करेंगे। आपका दिमाग तो नहीं चल गया, फौजिया की शादी जमील से? मैं तो खुद हैरत में हूँ, आज ही तो उनका खत आया है, लिखा है 9 तारीख को शादी है। अच्छा तो तारीख भी मुकर्रर हो गई। अरे तो मैं क्या करूँ, फौजिया मेरे बस में होती तो। ये सब मैं कुछ नहीं जानता,
फौजिया की मंगनी मुझसे हुई है और शादी भी मुझसे होगी। तुम तो इस तरह खफा हो रहे हो जैसे फौजिया की शादी जमील से मैं करा रही हूँ। जमील, जिसने मेरे बाप को जेल भिजवाया, मेरा बिजनेस तबाह किया, वो मेरी मंगेतर की भी मुझसे छीन लेगा। सुनो बेबी, अकरम। हाँ, मेरे जीते जी शादी नहीं होगी। अगर हुई तो याद रखो उस दिन शहनाई नहीं बजेगी, तुम्हारे घर में मौत नाचेगी। मौत, निकल जाओ मेरे यहाँ से। मैं इस घर का दामाद हूँ, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। रहमत, निकल इस कबीले को यहाँ से। रहमत, मेरे सामान ठीक कर। गजब खुदा का, मेरी बेटी की शादी और मैं यहाँ बैठी हूँ। सुनो, कहाँ है बाबू? तुमसे काम है। क्या काम? इस काम में तुम्हें बहुत सा रुपया मिल सकता है, हा? अगर तुम चाहो तो। क्या काम है बाबू, बताइए ना। आओ मेरे साथ। तीन हजार? हाँ, तुम चाहो तो ये तुम्हारे हो सकते हैं। मेरे? ये रुपए मेरे हो सकते हैं? हाँ हाँ, लो रख लो। मगर एक काम करना होगा। बताइए ना बाबू, मैं जरूर करूंगा। ये ट्रेन आ रही है? हाँ हाँ। किस लाइन पर आएगी? एक नंबर पर। अगर तुम पॉइंट ना चेंज करो तो? नहीं नहीं बाबू, दो नंबर पर मालगाड़ी खड़ी है, एक्सीडेंट हो जाएगा। बस मैं यही चाहता हूँ। क्या कह रहे हो बाबू? सोच लो, 3000 रुपये है, तुम ये काम कर दो तो इतने रुपया मैं तुम्हें और भी दे सकता हूँ। मगर मेरी नौकरी? मैं तुम्हें नौकर रख लूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। इस 3000 रुपये से तुम्हारा पाव बन जाएगा, तुम अपने पैरों से चल सकोगे। अच्छा बाबू, वो चमेलिया है ना, चमेलिया? हाँ हाँ। उसका पागलपन तो अच्छा हो जाएगा ना। अरे इस रुपये से एक क्या, 10 पागल अच्छे हो सकते हैं। अच्छा बाबू, आपका काम हो जाएगा। जमील साहब, इस गाड़ी से बारात नहीं, आपकी लाश उतरेगी। पागल अच्छे हो सकते हैं। तुम्हारा पाव बन जाएगा, तुम अपने पैरों से चल सकोगे।
वालेकुम सलाम। बैठिए बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। मैं अभी हाजिर हुआ। बाबुल मर गया, उसे किसी ने गोली मार दी। गोली मार दी? कहाँ है वो? बाबुल को किसी ने गोली मार दी। बाबुल मर गया, मर गया। बाबुल मर गया। हाय अल्लाह, कौन मर गया? बाबुल, 5 मिनट। दो तो?